नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। संघ स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा करने वाले डॉक्टर के विरुद्ध फतवा जारी, हत्या पर रखा 1 लाख का इनाम। मुरादाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन पर पुष्प वर्षा करने वाले एक मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ फतवा जारी होने का मामला सामने आया है। मैनाठेड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित डॉक्टर निजाम भारती ने बताया कि उन्होंने 2 अप्रैल को गांव में आरएसएस के पथ संचलन पर पुष्प वर्षा की थी। इससे खफा होकर गांव के ही हाफिज इमरान वारसी ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। डॉक्टर निजाम भारती की ओर से दर्ज कराई गई FIR के अनुसार फतवे में उन्हें जान से मारने और गांव से भगाने वाले को 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है। उनके मस्जिदों में प्रवेश पर पाबंदी की बात भी कही गई है। डॉक्टर निजाम ने बताया कि फतवे के ये पर्चे गांव की मस्जिदों में डाले गए थे। इसकी शिकायत उन्होंने तुरंत पुलिस से की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी हाफिज इमरान वारसी को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर निजाम भारती का कहना है कि संघ के पथ संचलन पर पुष्प वर्षा करना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इच्छा है, इसमें किसी दूसरे को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर PM मोदी ने किया संबोधित, कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BJP के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। PM मोदी ने कहा कि BJP एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। जन कल्याण योजनाएं लाभार्थी तक पहुंच रही हैं। लोगों का जीवन आसान बनाना ही हमारी प्राथमिकता है। हम देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नवरात्रि की 5वीं तिथि भी है। आज के दिन हम सभी माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं और हम सब ने देखा है माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है। मेरी प्रार्थना है कि माँ स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही, यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचारविद के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृतकाल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। वहीं स्थापना दिवस पर लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में भी कार्यक्रम हुआ। इसमें CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, हमें भारत के लिए समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। BJP अपने स्थापना दिवस से लेकर 14 दिनों तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। इसके अंतर्गत 7 से 20 अप्रैल तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योगी के आह्वान पर नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए आगे आई संस्थाएं। योगी 2.0 में प्रदेश की नदियों को अविरल और निर्मल बनाने में नमामि गंगे विभाग के सहयोग से लोक भारती और नेहरू युवा केंद्र नदी एवं जल स्रोत संरक्षण अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यह अभियान 6 अप्रैल को फतेहपुर से आरंभ होगा।
विलुप्त हो चुके कुओं को पुनर्जीवित करने और उनको रिचार्जिंग वेल में बदलने के लिए कुओं की सफाई और उनके अंदर बरसात का पानी वापस जा सके इसकी व्यवस्था की जाएगी। गोमती नदी की 22 में से सूख चुके 19 सहायक नदियों को भी नया जीवन देना इसमें सम्मिलित है। 3 मई तक चलने वाले इस अभियान में तालाबों के किनारे ग्राम वन बनाकर वहां उपयोगी और औषधीय पौधे लगाना भी ग्रामवासियों को सिखाया जाएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव के बयान को मुस्लिम विद्वानों ने किया खारिज। कहा, बोर्ड का मकसद मुसलमानों को उलझाना भड़काना है। भारत में मुसलमान हर तरह से सुरक्षित। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के बयान को मुस्लिम विद्वानों ने खारिज कर दिया है। रहमानी ने कहा था कि देश में मुसलमानों के लिए 1857 व 1947 से भी मुश्किल हालात हैं। मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि यह मुस्लिमों को मुख्यधारा से अलग करने की साजिश है। देश संविधान से चलता है। किसी को कोई दिक्कत है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के चंद लोगों द्वारा बनाया हुआ एक गिरोह है। इस बोर्ड का मकसद मुसलमानों को भड़काना, उलझाना व उन्हें हाशिए पर धकेलना है। बोर्ड अलग थलग करने की एक सुनियोजित साजिश रच रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के चेयरमैन मोहसिन रजा कहते हैं कि आज आम मुसलमानों के हालात तो बेहतर हुए हैं, किंतु भाजपा सरकार में मुसलमानों के ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई हैं, इसीलिए वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। एएमयू के सुन्नी थियोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर रेहान अख्तर का कहना है कि अपने देश में मुसलमान हर तरीके से महफूज हैं। अलीगढ़ में तैनात दरोगा नौशाद अली ने बेटी होने पर पत्नी व दूध पीती बच्ची को मारपीट कर किया घर से बेघर। अलीगढ़ जिले में तैनात दरोगा नौशाद अली का शर्मनाक कारनामा सामने आया है। दरोगा अली ने अपनी पत्नी को बिटिया पैदा होने पर बच्ची समेत घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला करीना बानो का आरोप है कि बेटी पैदा होने के बाद से ही उसके ससुराली जनों ने उसके साथ भद्दी भद्दी गालियां और मारपीट करना शुरू कर दिया। ससुराली जनों ने उसकी मासूम बेटी के साथ भी मारपीट की। अलीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो महिला ने रो पीट कर पति के खिलाफ अपना मुकदमा गाजियाबाद में दर्ज कराया। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंतन बैठक हुई शुरू। पहले दिन संघ के विस्तार व आधुनिकीकरण विषयों पर हुआ मंथन। 3 साल के मासूम श्रेयांश को सीएम योगी का सहारा। किडनी के इलाज में मदद करेगी सरकार। पर्यावरण जन चेतना साइकिल भ्रमण यात्रा पहुंची जहांगीराबाद। स्थानीय लोगों को किया जागरूक। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला से मारपीट की और 3 तलाक देकर घर से निकाला। 4 के विरुद्ध केस दर्ज। यूपी में बुलडोजर के बाद अब डायनामाइट की एंट्री। विस्फोटक से उड़ाए जाएंगे अपराधियों के घर। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में महिला पुलिस थानों की तर्ज पर बनेंगे बाल मित्र थाने। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।